दोस्तों कोरोना वायरस जेने आखी दुनिया में हाहाकार मचाई दीधो छे। कोरोना ना कारणे भारत में तथा विश्व तमाम देशों ने घणु नुकसान थई रह्युं छे। जे देशों में कोरोना वायरस छे त्यां संपूर्ण लॉकडाउन छे। लॉकडाउन ना कारणे लोको घरों में पुराई गया छे अने जनजीवन ठप थई गयुं छे, जेना कारणे लोकोने घणी तकलीफो वेठवी पड़े छे। पण दोस्तों लॉकडाउन ना कारणे नुकसान तो थई रह्युं छे, पण तेनी साथे साथे घणा फायदा पण थया छे। लॉकडाउन ना कारणे दुनिया की तमाम फेक्टरी बंद है और तेना कारणे तेमांथी निकळता धुमाड़ो आवतो बंद थयो छे, जेना कारणे वातावरण स्वच्छ बन्युं छे अने प्रदूषण घट्युं छे। फेक्टरी द्वारा नदियों में फैलातु प्रदूषण घणु ओछुं थयुं छे। भारतीय गंगा नदी में पहला घणु प्रदूषण जोवा मळतुं हतुं, पण लॉकडाउन ना कारणे गंगा नदी पण स्वच्छ बनी छे। दिल्ली में पहला एटलू एर पॉल्यूशन जोवा मळतुं, जेना कारणे त्यां श्वास लेवामां पण तकलीफ पड़ती हती, पण हवे लॉकडाउन ना कारणे दिल्ली प्रदूषण पण स्वच्छ बन्युं छे अने त्यां एकदम क्लीन हवा जोवा मळे छे। आखी दुनिया में लॉकडाउन ना कारणे लोको पोतपोताना घरों में छे अने पोताना वाहनों न चलावाना कारणे घणा ईंधणनुं पण बचत थई रही छे। लॉकडाउन नहोतुं त्यारे भारत में एक दिवस में लगभग 12 अरब लीटर पेट्रोल खर्च थतुं हतुं, ज्यारे डीजल एक दिवस भारत में 27 अरब लीटर खर्च थतुं हतुं। तो विचारो आखी दुनिया में केटलुं यूज थतुं हशे पेट्रोल तथा डीजल अने बाकीना ईंधण, अने लॉकडाउन ना कारणे केटली बचत थाय छे आपणा ईंधणनी। लॉकडाउन ना कारणे एक्सिडेंट पण बंद थया छे। भारत में एक दिवस लगभग 1374 रोड एक्सिडेंट थता हता अने तेमां 400 लोको आ एक्सिडेंट में मृत्यु थता हता। कोरोना ना कारणे लॉकडाउन थयुं अने आ एक्सिडेंट में पण फायदो जोवा मळे छे अने लोको मृत्यु पामता तेમાં ઘટાડો જોવા મળે છે। લોકડાઉન નહોતું ત્યારે લોકો પોતપોતાના કામમાં સતત લાગ્યા રહેતા હતા અને તે ક્યારેય પોતાના પરિવાર સાથે સંબંધ ન પ્રસાર કરતા હતા, પણ લોકડાઉનના કારણે લોકોની પાસે પોતાના પરિવાર સાથે સંબંધ પ્રસાર કરવાનો ટાઈમ જ ટાઈમ મળે છે। તો દોસ્તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો આ વિડીયોને એક લાઈક કરી નાખો, નીચે કોમેન્ટ કરી નાખો સારી, અને તમારા દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુના આપેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવીને ઓલ કરી નાખજો, જેથી તમને અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। થેન્ક યુ।